होली का त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहारों में से एक है। पूरे भारत के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। विष्णु भगत प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्य ने प्रहलाद को लकड़ियों के अंदर उपलों के अंदर बिठा दिया और साथ में अपनी बहन और प्रहलाद की बुआ होलिका को भी उन लकड़ियों के अंदर बिठा दिया और उसके अंदर गोसे लगाकर आग लगा दी। उसके पास जो होलिका थी उसके पास एक कंबल था जिसमें कि वरदान था, उस कंबल में आग नहीं लग सकती थी। परंतु उसकी बुआ ने वह कंबल ओढ़ा था, परंतु प्रहलाद के ऊपर कंबल आ गया, प्रहलाद बच गया, उसकी बुआ जल गई, बुराई का अंत हुआ। और इसी उपलक्ष्य में भगत के ऊपर आपदा में विष्णु भगवान ने बचा लिया, तो अगले दिन रंगों की होली बहुत जोर जोर से खेली गई। और एक और कहावत है इसके लिए राधा कृष्ण की, तो राधा गोरी थी, कृष्णा काला था। और यह शिकायत थी कृष्णा को, अपनी माँ से कहता था राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला हूँ। तो उसकी माँ ने, यशोदा ने सुझाव दिया कान्हा को कि कलर से रंग दे, जिस भी कलर से रंगेगा, जैसा भी तेरे को कलर पसंद है उस कलर से रंग दे। तो उसको यह कृष्णा को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और तभी से होली मनने लगी और राधा के ऊपर कलर डालने लगे और फिर सभी कलर की होली खेलने लगे। सभी रंगों का त्यौहार मनाते हैं, सारी दुश्मनियाँ भुला करके सभी के साथ होली खेलते हैं। रीति रिवाज सभी के बदलते चले गए, अधिकतर गोबर की माला, बेर आटा, चीनी, गुड़, जौ के बाल और कुछ रुपए रखकर पूजते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही मनाते हैं। गाजर आलू भी लाते हैं कई बार। सवा महीने पहले से ही होली का डंडा गाड़ कर पूरे महीने लकड़ियां भरते रहते हैं और होली वाले दिन, छोटी होली वाले दिन गोबर की मालाएं उसके ऊपर चढ़ाते हैं और शाम को जला देते हैं। शाम को होली जलती है। कुछ लोग जौ भून कर खाते हैं, कुछ लोग नारियल चढ़ाते हैं, कुछ लोग होली का डंडा उखाड़ कर ले जाते हैं, नारियल आर पार फेंकते हैं और अगले दिन भी रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। मदिरा पान करते हैं, कुछ पकोड़े खाते हैं, दही बल्ले खाते हैं और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना लाइक कमेंट कर ही देना। थैंक यू।